केआरसी कॉलेज खराड़ी दरभंगा के संस्थापक एवं पूर्व प्राचार्य शिवशंकर सिंह के देहांत पर शोक सभा। कॉलेज परिसर में प्राचार्य सुधीर प्रसाद सिंह, प्रोफेसर मुरारी प्रसाद सिंह, प्रोफेसर सुनील श्रीवास्तव, प्रोफेसर मुन्ना प्रसाद सिंह, प्रोफेसर मनोज कुमार सुधांशु, प्रोफेसर राम बाबू सिंह इत्यादि शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के बीच उनकी आत्मा शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। साथ ही उनके किए गए अधूरे काम को सफल बनाने का संकल्प लिया गया। जल्द ही बाढ़ से मुक्त होगा दरभंगा जिला, संजय झा। दरभंगा एयरपोर्ट के निर्माण के दौरान सभी यात्री सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि दरभंगा के सभी तटबंधों को नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण किया गया, जहां जरूरत है हम स्वयं जाकर मुआयना कर उसका निराकरण कर कार्य पूर्ण करेंगे। जो वर्षा जुलाई और अगस्त में होनी चाहिए वह जून में ही हो गई, फिर भी दरभंगा की जनता निश्चित रहे आने वाले समय में दरभंगा बाढ़ मुक्त होगा। इस अवसर पर केवटी विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, जिला अध्यक्ष जीवत सैनी ज्योति कुमार झा, लवली सुजीत, मल्लिक अमलेश झा, मणिकांत मिश्र, राजेश रंजन, प्रेम कुमार रिंकू, कन्हैया पासवान, तनवीर हसन, प्रेम शंकर राहुल आदि उपस्थित थे। बिहार में लाल निशान से ऊपर बढ़ रही बागमती और गंडक। मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ से टापू बन गई कई गांव। बिहार में बाढ़ से तबाही शुरू हो गई। जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बागमती नदी का जलस्तर कटौझा में खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं गंडक नदी में रेवा घाट में लाल निशान से ऊपर बह रही है। बूढ़ी गंडक का जलस्तर भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। मुजफ्फरपुर में बाढ़ ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। बागमती के साथ मनयुष मारा नदी के जलस्तर में वृद्धि से परेशानी बढ़ती जा रही है। बागमती तटबंध से विस्थापित गांव मधुवन प्रताप में करीब 60 घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। वहीं सबसे ज्यादा परेशानी महेशवारा पंचायत के चैनपुर गांव में है। शंभू राय ने बताया कि बांध पर लगी तेज से भाग रहे हैं। स्कूल परिसर में भी डूब चुका है। महवेशी को निकलने की समस्या बन गई है। स्कूलों में ऑफलाइन वर्ग की तैयारी शुरू। राज्य सरकार की ओर से 7 जुलाई से घोषित अनलॉक 5 में ढील का दायरा बढ़ाने जाने के बाद स्कूल कॉलेज में ऑफलाइन वर्ग की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने अनलॉक 5 में 50% उपस्थिति के साथ 11वीं व 12वीं कक्षा की ऑफलाइन पढ़ाई की इजाजत दी है। इसे देखते हुए संबंधित स्कूल कॉलेज में तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि अधिकतर स्कूल कॉलेज में ऑफलाइन वर्ग संचालन शुरू करने के लिए भी अभी पूरा व्यवस्था नहीं है। लंबे समय से बंद रहने के कारण वर्ग कक्ष में धूल जमा हो गई है, दीवारों पर जाले लग गए हैं। इसके अलावा भी अन्य कई समस्या है। इन समस्याओं को दूर करने के बाद ही ऑफलाइन वर्ग संचालन का संभावना है। बिहार की 11 नदियां लाल निशान के पार। बेतिया और मोतिहारी में सड़क पर 4 से 5 फीट बह रहा है पानी। बगहा में उफान पर मसान नदी। नेपाल और सीमांचल के जल ग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद महानंदा और परमान नदियों का जलस्तर भी कई स्थानों पर खतरे के निशान को पार कर गया। इसके साथ ही अब सूबे की 11 प्रमुख नदियां लाल निशान को पार कर चुकी है। सोमवार की रात महानंदा परमान के अलावा कोसी, कमला, बलान, अधवारा, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, सोन, खिरई और लाल बकिया नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। बागमती खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर तो कमला 177 सेंटीमीटर, गंडक 143 सेंटीमीटर और ललबेकिया 1 मीटर ऊपर बह रही है। वीडियो को लाइक कर दे, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए न्यूज वीडियो लाते रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि सुबह सुबह सबसे पहले न्यूज आप देख सके। बिहार के इन 11 जिले में अगले 24 घंटे में गरज के साथ बारिश के आसार। येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने पटना, नालंदा, शोखपुरा, नवादा, लखीसराय और बेगूसराय सहित दक्षिण पूर्व बिहार में भागलपुर, खगड़िया, बांका, जमुई, मंगेर और खगड़िया के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिले में अगले 24 घंटे में गरज के साथ बारिश के आसार हैं। हिमालय की तलहटी से सटे जिले में भी बाढ़ की स्थिति बन सकती है। बिहार में 7 जुलाई से खुलेंगे कॉलेज, अगस्त तक नहीं होगी कोई परीक्षा। बिहार में कोरोना संक्रमण की धमती रफ्तार के बीच सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में लगी पाबंदियों में अनलॉक 4 का ऐलान कर दिया है। विश्वविद्यालय, सभी कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्था, सरकारी परीक्षण संस्था व स्कूल खोलने का फैसला किया है। सीएम के इस ऐलान के बाद TMBU के सभी PG विभाग और कॉलेज 7 जुलाई से खुल जाएंगे। इस दौरान 50% छात्रों की उपस्थिति ही रहेगी। विभाग अध्यक्ष व प्राचार्य छात्रों की उपस्थिति का ध्यान रखेंगे। साथ ही जो सभी छात्र कॉलेज आएंगे उन्हें कोविड गाइडलाइन का पालन कराते हुए कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा। इसके बीच ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया चलाई जाएगी। दरभंगा में कोरोना से महिला सहित 3 की मौत।
दो तीन के अंतराल के बाद कोरोना मरीज की मौत का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। पिछले 24 घंटे के दौरान डीएमसीएच के डेडिकेट कोविड 19 अस्पताल में 3 मरीजों ने दम तोड़ लिया। इनमें से एक मरीज दरभंगा जिले के रहने वाले थे। रविवार की देर शाम कमतौल थाना क्षेत्र के हरिहरपुर निवासी 50 वर्षीय मरीज की मौत हो गई थी। वही सोमवार को समस्तीपुर जिले के हलई ओपी निवासी महिला और मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट निवासी 45 वर्षीय मरीज की मौत हो गई। कोरोना संक्रमण को लेकर लोग को अभी भी काफी सावधानी बरतनी होगी। पार्सल ब्लास्ट में सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस का चयन, जांच एजेंसी के लिए पहेली। दरभंगा जंक्शन ब्लास्ट की जांच में जुटी एजेंसियों के लिए अब भी सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस का चयन का मुद्दा पहेली है। वजह यह है कि अब तक एनआईए की गिरफ्तार में आए लश्कर ए तैयबा के संदिग्ध आतंकियों से हुई पूछताछ में कई बातें सामने आई है, लेकिन इस खास ट्रेन के चयन के पीछे की वजह को बेहद करीब से खंगाला जा रहा है। हालांकि अब तक इसी ट्रेन को निशाना बनाने के पीछे साजिश खुलकर सामने नहीं आई है। केआरसी कॉलेज खराड़ी दरभंगा के संस्थापक एवं पूर्व प्राचार्य शिवशंकर सिंह के देहांत पर शोक सभा। कॉलेज परिसर में प्राचार्य सुधीर प्रसाद सिंह, प्रोफेसर मुरारी प्रसाद सिंह, प्रोफेसर सुनील श्रीवास्तव, प्रोफेसर मुन्ना प्रसाद सिंह, प्रोफेसर मनोज कुमार सुधांशु, प्रोफेसर राम बाबू सिंह इत्यादि शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के बीच उनके आत्मा शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। साथ ही उनके किए गए अधूरे काम को सफल बनाने का संकल्प लिया गया। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दरभंगा बाजार।